निफ्टी इस वक्त 8779 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार होते हुए दिख रहा है, लेकिन ऐसे बाजार में भी कौन से स्टॉक्स आपको पिक करने चाहिए जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं, ये हम लगातार आपको बताते हैं। और उपलक्ष्य भी है गणेश चतुर्थी का, ऐसे में कौन से वो स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, एक्सपर्ट्स की भी पसंद हम जान लेते हैं। हमारे साथ धवल और राजेश दोनों मौजूद हैं। धवल, पहले आपसे कुछ आपके पसंदीदा स्टॉक्स जानना चाहेंगे। गणेश चतुर्थी एक ऐसा मौका है, एक ऐसी ओकेजन है जब कुछ नई खरीदारी या फिर कह सकते हैं नया निवेश का श्री गणेश कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, नया निवेश करना काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे में कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपके दिमाग में हो जो हमारे दर्शक खरीद सकते हैं और जहां मुनाफा कमाया जा सकता है? डेफिनेटली देखिए, मार्केट जब साइडवेज होता है या अप ट्रेंड में होता है तो स्टॉक कहीं ऐसे मिल ही जाते हैं आपके जो मोमेंटम में हो। पहला स्टॉक रहेगा हमारा फर्स्ट पिक पीवीआर इज अ बाय विद स्टॉप अराउंड 1230 फॉर अ टारगेट ऑफ 1450। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी काफी है आज हमने देखे हैं ऑन द बैक ऑफ न्यूज, और टेक्निकली भी चार्ट बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से पीवीआर कैन बी अ स्ट्रांग बाय। पीवीआर रिकमेंडेशन है यहाँ पर धवल की, 1450 के टारगेट रिकमेंड कर रहे हैं, 1269 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है और पीवीआर आज एक्शन में है भी, अभी आपने हेडलाइन में भी सुना। और साथ ही साथ आज फ्राइडे फैक्टर भी पीवीआर पर आमतौर पर हावी होता है क्योंकि वीकेंड और ऊपर से इस बार तो एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो बिल्कुल सटीक शेयर चुना है धवल ने यहाँ पर। राजेश, आपकी चॉइस क्या है जहाँ पर आप नए निवेश के लिहाज से कम्फर्टेबल हैं? देखिए दीपाली, दो स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूँगा जो हमारे कवरेज में भी है। एक तो रेपको होम फाइनेंस है, जो मैं कई बार यहाँ रिकमेंड कर चुका हूँ। द कंपनी बेसिकली प्रोवाइड्स द हाउसिंग लोन टू नॉन सैलरीड सेगमेंट और ये सदर्न मार्केट में प्रेजेंस है इनका, जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी बड़े यहाँ देखने को मिला है। थोड़ी एसेट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बाकी अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कंपेरिजन करूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये सेगमेंट जो है वो नॉन सैलरी सेगमेंट में होता है जहाँ पर बिजनेस थोड़ा सा इरेटिंग इन नेचर होता है, सीजनल होता है, तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ग्रोथ वाइज काफ़ी बढ़िया है। मैं समझता हूँ कि नॉन सैलरी सेगमेंट की एक अंडर सर्व मार्केट है, तो करीब 25-30% के आसपास का जो लोन बुक ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो एक रेपको होम फाइनेंस आप चाहें तो यहाँ से जरूर इंटर करें। दूसरा है धनका एग्रीटेक। मैं समझता हूँ ये कंपनी एक लीडिंग स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल कंपनी है और इस तरह इस साल में मानसून काफ़ी बढ़िया रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 25% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल सकता है इसके अर्निंग्स में एंड सेल्स में। तो आगे आने वाले समय में समझता हूँ कंपनी हर साल लगभग 2 या 3 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी अलग अलग सेगमेंट में। जी, तो दो स्टॉक्स इन्होंने अपने पसंद के बताए। राजेश की पहली पसंद रहेगी रेपको होम, यहाँ पर 980 के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। साथ ही दूसरा स्टॉक उन्होंने बताया धानुका एग्रीटेक, हालांकि आज इसमें कमजोरी है लेकिन 830 तक के लेवल्स आने वाले समय में इसमें दिख सकते हैं। तो दो स्टॉक्स उन्होंने अपने पसंद के बताए। धवल, इनफैक्ट आपने अब तक एक स्टॉक बताया अपना पीवीआर, इसके अलावा क्या कोई और स्टॉक किसी पर्टिकुलर सेक्टर का जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? देखिए चेन्नई पेट्रो हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसका अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी अच्छा है, बेसिकली मंथली चार्ट अच्छे हैं, वीकली बेसिस पे अगर आप देखें तो यानी स्ट्रेंथ काफ़ी विजिबल है, तो मेरे ख्याल से चेन्नई पेट्रो वुड बी अ फ्रेश बाय विद अ स्टॉप अराउंड 290 फॉर अ टारगेट ऑफ 365। अगर करंट लेवल से देखें तो अराउंड 20% की जो अपसाइड है करीबन 3 महीने में ही आ सकती है, तो चेन्नई पेट्रो कैन बी अ यू नो वेरी गुड स्टॉक टू वॉच इट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इसके अलावा जो है सीएट लिमिटेड, बेसिकली जो करंट लेवल है 945 के अराउंड, मेरे ख्याल से दैट इज़ अ यू नो अ गुड स्टॉक की जो अगले कुछ महीनों में बेसिकली जो अपमू जो है अपनी कंटिन्यू रख सकता है विद स्टॉप अराउंड 920, उसमें एक बाइंग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1030। जी, तो दूसरा स्टॉक है चेन्नई पेट्रो, 301 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन 365 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं धवल इस शेयर में। तीसरी चॉइस क्या है धवल आपकी? खरीदारी कर सकते हैं। धवल की तरफ से भी 3 पिक्स उन्होंने बताई, तो पीवीआर, चेन्नई पेट्रो और सीएट। इनफैक्ट आज टायर स्टॉक्स में अच्छी तेजी भी दिखी और सीएट ऑलमोस्ट 5.5% की तेजी के साथ रिहाई के आसपास काम करते हुए, पीवीआर में भी शानदार तेजी, स्टॉक फिलहाल 8% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ और अहम खबरें उनका रुख कर लेते हैं। रिलायंस जियो की सर्विसेज 5 सितंबर से लॉन्च होने वाली है और जो लोग अपना नंबर जियो में पोर्ट करना चाहते हैं उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि बाकी की टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों के नंबर पोर्ट करने में कुछ आनाकानी कर रही हैं। कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं, चलते हैं असीम मनचंदा के पास।
देखिए 22 अगस्त को रिलायंस जो जिए है उसने अपने कर्मचारियों को कहा था कि आप सब अपना नंबर पोर्ट जो है वो कर सकते हैं। एक ईमेल गई थी बकायदा है एचआर की तरफ से और कहा था कि अब अपना नंबर पोर्ट करने की जो शुरुआत कर दीजिए। उसके बाद कर्मचारियों ने अपना नंबर पोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट जो था वो भी डाला था, लेकिन जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है अभी तक किसी भी कर्मचारी का नंबर जो है वो पोर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जितनी भी रिक्वेस्ट जो डाली गई थी वो टेलीकॉम कंपनियों ने उन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट जो है वो कर दिया था। ये रीज़न दिया गया था कि अभी तक आपने कमर्शियल लॉन्च नहीं किया, आप ट्रायल कर रहे हैं, आप इसके दौरान जो है नंबर पोर्ट जो है नहीं कर सकते। तो एक स्टैंड अप जो है अभी भी टेलीकॉम कंपनियों और रिलायंस जियो के बीच में कंटिन्यू है कि अगर आप नंबर पोर्ट करना चाहें तो आपको आप कर्मचारियों को आपका नंबर पोर्ट जो है वो करने नहीं दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि 5 सितंबर को जिस तरह से कमर्शियल लॉन्च करने की बात कर रहा है रिलायंस जियो, तो उसके बाद क्या बाकी जो कर्मचारी हैं या बाकी जो भी ग्राहक है जो नंबर अपना पोर्ट करना चाहते हैं उनको नंबर पोर्ट करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। सेम पूरी ही इन्फॉर्मेशन के लिए तो टेलीकॉम कंपनियों के बीच में एक बार फिर से ठन गई है और आप देखिए स्टॉक्स हैं जो वो कंसिस्टेंटली दबाव में हैं। कल के स्टीप करेक्शन के बाद आज भी जो ज्यादातर शेयर्स हैं वो दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1004 के लेवल पर डे लो पर ट्रेड कर रहा है। आइडिया सेलर लोअर लेवल से थोड़ा सा इसने रीबाउंड दिखाया है लेकिन अभी भी 1.5% कमजोरी है। भारतीय एयरटेल कल 6.5% टूटा था, आज हरे निशान में 1.5% अगेंस्ट देकर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन में भी 1.25% कमजोरी देखी जा रही है। तो ये टेलीकॉम सेक्टर का हाल, जहां पर कल एक स्टीप लॉसेस थे आज भी दबाव में ही ये ज्यादातर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल से जिन स्टॉक्स में रिकवरी दिखी उनमें आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल ऑलरेडी निशान में भी ट्रेड कर रहा है। धवल, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपके कमेंट्स क्या हैं? आप देखिए कल 3% गिरा था और अभी भी जहां दूसरे टेलीकॉम स्टॉक्स निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं ये स्टॉक डे लो पर आ चुका है। 1000 का लेवल कभी भी ब्रीच हो सकता है क्योंकि अभी ऑलरेडी 25 रुपए नीचे 1003 के लेवल पर है। अभी कैसा लग रहा है आउटलुक यहाँ पर? Since you know the business is mixer of basically oil and you know telecom, तो मेरे ख्याल से इतना continuous move नहीं होगा बाकी सभी telecom space के साथ। But overall idea ये है कि you know Reliance is a very good buy at current level और हमारा मानना है कि अगले कुछ सालों में अगर 3 से 4 साल का अगर view है अभी आपका तभी जाके यानी Reliance में एक नई entry रखनी चाहिए आपको। और नीचे में जो stop loss है मेरे ख्याल से 960 should be your stop loss for investment और ऊपर में जो target है around 1450 के target जो है आपका पहला होना चाहिए। Overall, the idea is, you know, the resistance is very much there around 1100, जो करीबन पिछले 7 साल से हमने ब्रेक नहीं किया है, खास करके क्वार्टरली बेसिस पे। तो मेरे ख्याल से ये जो है काफी ये हर्ट करता रहेगा बायर्स को। बट ऐसे ही यानी 1100 आप क्रॉस करते हो रिलायंस में तो जो है अग्रेसिवली आप बेसिकली कर सकते हो बाइंग, जस्ट बिकॉज यू नो इट्स मल्टी ईयर रेजिस्टेंस फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स और वो क्रॉस करने के बाद जो है अप मूव बड़ा फास्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से एक्युमुलेशन का बहुत अच्छा टाइम है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जी, तो इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है और फर्दर एक्युमुलेशन रिलायंस में इन लेवल्स पे किया जा सकता है। स्टॉक आज लगभग 1004 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए। लेकिन कुछ और अहम खबरें हैं। आज ट्रेड यूनियंस की तरफ से एक नेशन वाइड स्ट्राइक की बात हुई थी, देश की रफ्तार उससे कुछ थीमी जरूर हुई है। मिला जुला असर हालांकि इसमें देखने को मिला। 10 ट्रेड यूनियंस के करीब 18 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अलग अलग शहरों में हड़ताल का असर देखा गया। दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक और सिलीगुड़ी से लेकर मुंबई तक हड़ताल रही। हड़ताली कर्मचारियों की मांगे हैं कि उनकी जो मिनिमम सैलरी है उसको दुगना कर दिया जाए और दुगना करके 18,000 रुपए किया जाना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों को पेंशन भी दी जाए, ये भी उन्होंने अपनी मांग रखी है। जो स्कीम वाले कर्मचारी हैं उन्हें परमानेंट भी किया जाए, ये भी एक मांग हड़ताली कर्मचारियों की तरफ से है। तो लगभग 18 ट्रेड यूनियंस की एक हड़ताल रही, लेकिन मिला जुला असर अलग अलग शहरों में देखने को मिला है। और मुंबई में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर कम देखने को मिला है। जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा जानकारी दे रही है। देश भर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिन की हड़ताल पर है, लेकिन मुंबई में इस हड़ताल का असर कम ही दिखाई दे रहा है। मुंबई की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, जिसमें ऑटो टैक्सी यूनियन शामिल है, ऑटो टैक्सी मेन्स यूनियन है, बेस्ट ने भी इस हड़ताल में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। पश्चिम रेलवे मजदूर संघ हालांकि इस हड़ताल का समर्थन जरूर कर रही है लेकिन हड़ताल में शामिल नहीं है। महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार यूनियन के तहत 125 कारखाने शामिल हैं जिनके मजदूर इस हड़ताल में हिस्सा लेने वाले हैं। इसी के अलावा अगर आपको बात कर दें तो आज मुंबई में ट्रांसपोर्ट को लेकर किसी भी लिहाज से मुंबईकरों को कोई दिक्कत नहीं पेश आने वाली है। रेलवे, बेस्ट, ऑटो, टैक्सी सभी सुचारू रूप से काम करने वाले हैं, लेकिन किन सेक्टर्स की सर्विसेज पर असर पड़ेगा वो आपको बता देते हैं। आज की हड़ताल से बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी
ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, आईटी और टेलीकॉम इन सेक्टर की सेवाओं पर जाहिर तौर पर असर पड़ सकता है। जो मांगे लगातार इस ट्रेड यूनियन की है वो ये है कि 18,000 रुपए कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, गैर कृषि और अनस्किल्ड वर्कर्स की दिहाड़ी न्यूनतम 692 रुपए होनी चाहिए। इसी के साथ लेबर लॉ के तहत वर्करों को हायर एंड फायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विभिन्न जगहों पर जो खाली पद हैं उन पर अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। इन मांगों के साथ जो है एक दिन की हड़ताल पर जो है देशव्यापी हड़ताल पर जो ट्रेड यूनियन है वो शामिल हुई हैं, लेकिन ऐसा उनकी ओर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हड़ताल में 18 करोड़ जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो शामिल होंगे। पिछले साल जब हड़ताल हुई थी तो 14 करोड़ लोग शामिल हुए थे, लेकिन इसका जो सीधा असर वो मुंबई में किसी तरीके से नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस की बात करें, उन्हें छोड़ दिया जाए तो उस पर इसका असर दिख सकता है, उसकी सेवाओं पर असर दिख रहा है। लेकिन जो सबसे अहम है, मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है इस वक्त। कैमरामैन अनिल के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो मुंबई से कविता शर्मा मुंबई का हाल बताते हुए।